मेन मोमेंट पर कस्टमर ने केक की डिजाइन चेंज कर दी। अभी आप क्या करोगे? अगर आपने राउंड शेप का केक बनाया हुआ है कस्टमर ने जैसा कि आपको पहले कहा था, और फिर कस्टमर ने आपको कह दी कि हार्ट शेप पर हमें केक चाहिए, यहाँ तक ही मैंने काम किया था, केक को क्रम कोट करके फ्रिज पर रखा हुआ था, कस्टमर का तुरंत मैसेज आता है कि हार्ट शेप पर केक कर दीजिए। पहले भी मैंने आपको बताया है आपको प्लस मार्क लगाना है और इस तरह से वी कट करके स्लाइस को आगे अटैच कर देना है और फिर आगे से भी छोटा सा पीस अपने लिए निकाल लेना है। आ गया ना भी प्रॉपर हार्ट शेप, अपने लिए जरूर केक निकाल लेना, टेस्ट करने को भी मिल जाएगा। तो परफेक्ट हार्ट शेप का केक ना आप हार्ट शेप के केक टिन में भी नहीं बना सकते हो, तो इस बात को ध्यान रखना, कभी भी आपके साथ ऐसा होता है तो ऑर्डर कैंसिल मत करना। पर बड़ी प्यारी सी डेकोरेशन की थी, नेक्स्ट वीडियो पर दिखाती हूँ। तब तक का स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का मैं केक डेकोरेट कर रही हूँ और आप इस केक का फाइनल लुक देखना, मतलब इतना प्यारा लग रहा था ना, कस्टमर ने तो एक नजर में देखते ही कह दिया था बहुत सुंदर है। जब मेरे पास एक साथ कई सारे ऑर्डर्स आते हैं ना, तो मैं हर एक ऑर्डर लेती हूँ और बहुत दिल से एक्स्ट्रा मेहनत करते हुए, अपना बेस्ट देते हुए हर एक ऑर्डर कम्प्लीट करती हूँ, ताकि कस्टमर को केक अच्छा लगे, और साथ ही साथ वीडियोज भी बनाती हूँ, क्योंकि फिर मेरी यूट्यूब फैमिली है, उन्हें भी तो मेरे शॉर्ट्स का वेट होता है। तो बस जब कस्टमर को भी केक पसंद आ जाता है और मेरी यूट्यूब फैमिली को भी केक पसंद आ जाता है, तो मेरे एफर्ट्स जो है फिर वो सक्सेसफुल होते हैं। आज मैंने दो वीडियोस अपलोड किए हैं, ये शॉर्ट्स आ गया, और जब तक आप इसको देखोगे तो कुछ देर बाद ही मेरा फुल वीडियो भी अपलोड हो चुका होगा। मतलब जिस दिन मेरा फुल वीडियो आएगा उस दिन मेरा शॉर्ट्स भी जरूर आएगा। शॉर्ट्स मंथ में हर दिन आएंगे, क्योंकि आप सब शॉर्ट्स का बहुत ज्यादा वेट करते हो, तो शॉर्ट्स वीडियोस आपको मेरे हर दिन मिलेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके बताना। अच्छा, तो देख लिया चॉकलेट पॉट्स वाला शॉर्ट्स, और नहीं देखा है और आप मेरे चैनल पर नए हो तो मैंने लिंक पिन कमेंट पर दे दी है, आप वहां से देख लेना, क्योंकि बहुत अमेजिंग बना था और देखकर ना आपके मुंह में पानी आ जाने वाला और आप भी ट्राई करने वाले हो। आज बहुत दिनों के बाद मैंने हार्ट शेप पर केक बनाया है और कस्टमर को बहुत पसंद भी आया था, और जिन्हें केक बनाना सीखना है उनके लिए मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट कर दी है, आप वहां पर अपने सारे डाउट्स मुझे कमेंट्स के थ्रू बता सकते हो, तो वहां से मैं आप सबके क्वेश्चंस उठाऊंगी, और जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पॉसिबल हो सकेंगे मैं फुल वीडियो बनाऊंगी और डिटेल में आप सबके डाउट्स को क्लियर करूंगी। केक बनाने की शुरुआत करनी कैसे है, टूल्स कौन से यूज करने हैं, सारा कुछ, आपको जो भी डाउट है ना आप मुझसे वहां पर जरूर पूछना, शॉर्ट्स पर पॉसिबल नहीं हो पाता है, वहां पर मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगी। वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके बताना, अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर ना। मिलती हूँ फिर जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब आज भी मैं बेकरी जैसा केक डेकोरेट करने की कोशिश कर रही हूँ, मतलब वाओ बहुत सुंदर है, ऐसा वाला तो मैं नहीं डेकोरेट कर पाई, पर हाँ बहुत गंदा भी नहीं डेकोरेट किया, ठीक ठाक ही बना लिया। मैं हर बार ही ना कुछ नया बनाने की कोशिश करती हूँ, हर बार नया बनाने के चक्कर में या तो मैं काफी सुंदर केक बना लेती हूँ या फिर बहुत ही बेकार केक बना लेती हूँ, जिसे मुझे खुद भी देखकर हंसी आती है, यार पता नहीं मैंने क्या ही बना दिया। मेरे पास ना 90% ऑर्डर पाइनएप्पल फ्लेवर के होते हैं, मैं बाकी फ्लेवर्स भी अच्छे बना लेती हूँ, पर पता नहीं क्यों मेरे पास ना पाइनएप्पल के ऑर्डर ही बहुत ज्यादा आते हैं। अब तो गर्मी आ गई है, मैंगो फ्लेवर केक और ठंडी ठंडी आइसक्रीम, उसे हम कैसे भूल सकते हैं, हम हर फ्लेवर की ना आइसक्रीम जरूर बनाएंगे। और अभी तक मैं इंस्टा पर एक्टिव नहीं थी, तो वहाँ पे मेरे बहुत कम फॉलोअर्स है, तो सबको ना मेरे रियल अकाउंट भी फेक लग रहा है, क्योंकि फेक अकाउंट बहुत सारे बन चुके, तो प्लीज लिंक पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन दोनों पर है, मुझे वहाँ भी जल्दी। आज मुझे बहुत दिनों के बाद एनिवर्सरी केक का ऑर्डर मिला है और कस्टमर ने सिर्फ इतना कहकर आज मेरी बहुत टेंशन बढ़ा दी कि प्लीज बहुत सुंदर सा बना दीजिएगा। अभी मुझे बहुत टेंशन हो रही कि आज तो मुझसे कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। एनिवर्सरी केक है तो सबसे पहले मेरे दिमाग में यही आया कि रोज बना देती हूँ, तो मैंने बड़े बड़े से दो रोज बनाए और उसे बढ़िया सा रेड कलर कर दिया और साइड पर रख दिया। फिर उसके बाद अब क्या करूं ऐसे सोचते सोचते ना मैंने अपनी थोड़ी सी और क्रिएटिविटी दिखाई, और उसके बाद मैंने बीच में एक बड़ा सा टैडी बिठा दिया, और फिर टैडी फ्री बैठा था तो मुझे देखा नहीं जा रहा था, तो मैंने उसके हाथ पे भी एक बड़ा सा हार्ट पकड़ा दिया और केक मेरा कम्प्लीट हो गया, और कस्टमर को भी पसंद आया। हाफ के जी का केक था, 300 चार्ज किया है, और कस्टमर को टेस्ट और डेकोरेशन दोनों ही बहुत अच्छे। अभी मेरी वाइटी फैमिली को कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा, आप सबके कमेंट्स का मुझे वेट है, अच्छा लगा हो तो हमें। पर मैं आप सबको केक बनाना जरूर सिखा दूंगी, ताकि आप खुद भी ऑर्डर्स लेना शुरू कर सके। तो ये मेरा हाफ के जी का स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का ऑर्डर था, इसे मैंने 300 चार्ज किया। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलती हूँ फिर जल्दी।